रेलवे में प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार सवाल उठा करते हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के निजीकरण को लेकर उठ रही अफवाहों को विराम दे दिया है। रेल मंत्री ने साफ कर दिया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। प्रभु का कहना है कि आम आदमी के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सार्वजनिक सेवा दायित्व को सहन करना होगा। इस समय भारतीय रेलवे की सार्वजनिक सेवा दायित्व लगभग 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए का है। दिल्ली में एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, भारत में रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता। भारत में रेलवे आम आदमी के परिवहन के लिए अंतिम उपाय है और इसलिए रेलवे को ये जिम्मेदारी और बोझ को उठाना ही पड़ेगा। रेल मंत्री ने कहा कि अगर लोगों के अंदर ये सोच है कि निजीकरण से समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो ये गलत है। प्रभु ने ये भी कहा कि दुनिया में बहुत कम देश है जहाँ पर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। गौरतलब है कि रेलवे को नुकसान से निकालने के लिए रेलवे के निजीकरण की खबरें आ रही थी, जिसे रेल मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।